Hello guys, my name is Kashif Raza and welcome you guys to my YouTube channel. In the last video, we learned how we can use a C in statement in our C++ programming. In this video, we create a program in which we takes a two number from the user using C in statement and then we perform the mathematical operation on these two numbers and generate the results. So let's start our program. यहाँ पे ये देखें, हमने प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने यहाँ पे चार वेरिएबल, यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फाइव वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिए हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है। यहाँ पे हमने यूज़र से वैल्यू ली है नंबर ए के लिए, फिर नंबर बी के लिए, नंबर वेरिएबल बी के लिए हमने यूज़र से वैल्यू लिए, उसके बाद हमने इन पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए और उसके बाद जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ है वो हमने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया है। तो इसी एग्जांपल को अब हम अपने सी फ्री कंपाइलर में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो चलो हम अब ओपन करते हैं अपने सी फ्री कंपाइलर को। ये देखें, सी फ्री हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ से हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका कोड राइट करते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी int main int a variable b sum के लिए sum, subtraction के लिए sub, multiplication के लिए mul और float type का हमने variable ले लिया है division के लिए, क्योंकि ये हमारी value decimal में हो सकती है। तो अब हम यूज़र से वेरिएबल ए की वैल्यू रिक्वायर करते हैं। उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि प्लीज़ इंटर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम सी इन का फंक्शन यूज़ करके हम ए वेरिएबल में वैल्यू रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह अब हम सी आउट प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू, और सी इन का फंक्शन यूज़ करके हम यहाँ पे बी की वैल्यू रिसीव कर लेते हैं। अब हमने दो नंबर्स की वैल्यूज़ यूज़र से ले ली है। अब मैं यहाँ पे सम का ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। सम जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी और सब इज इक्वल टू ए माइनस बी। और इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं मल इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी और डिवीजन के लिए डिव वेरिएबल इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। अब यहाँ पे हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं। अब जो रिज़ल्ट यहाँ से जनरेट हुआ है उसको हमने कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम सी आउट का फंक्शन यूज़ करेंगे, सी आउट सॉरी द रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू
अब यहाँ पे हम सम वेरिएबल अपना दे देते हैं और यहाँ पे एंडल का इस्तेमाल कर देते हैं। इसी तरह सी आउट द रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एस यू बी सब एंडल। इसी तरह सी आउट द रिजल्ट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू मल और एंडल। सी आउट द रिजल्ट ऑफ ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू डिव और यहाँ पर एंडल और लास्ट पर रिटर्न ज़ीरो। अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करते हैं। यहाँ पे नंबर ए इंटर करता हूँ मैं 10 नंबर बी इंटर करता हूँ 5 तो यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट जनरेट हो गया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 15 ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 और ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू 50 और ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम सी आउट स्टेटमेंट को और सी इन स्टेटमेंट को और हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम अपने प्रोग्राम में अप्लाई करके एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।